हेलो एवरीवन, देखिए वापस से प्लांट रीग्रोथ पर आ गए हैं और फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। मिनी हिबिस्कस भी खिलने लगा है। ये मॉर्निंग ग्लोरी की जो स्मॉल वाली वैरायटी है, इसका येलो तो खिल गया है, बाकी अभी बीज लगाऊंगी छोटी वाली के। बड़ी वाली खिलने लगी है। अब देखिए जो मेरी सैपलिंग रेडी हो रही हैं उनको मैं रिपोर्ट करने का काम कर रही हूँ। तो मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर की थी, जो मेरे पुराने पौधे खिले हुए हैं सर्दियों वाले जो मैंने लगाए थे, उनके अंदर जो मैंने पॉट फिलिंग किया था वो एकदम ऐसा है कि आगे 6 महीने तक भी मुझे खाद देने की ज़रूरत नहीं है ऐसा। तो मैं उन्हीं पौधों में किस तरीके से रिपोर्ट कर रही हूँ, एक छोटा सा टिप देती हूँ। अगर आपने मेरी तरीके से पॉट फिल किया है तो वो मेथड अपना लीजिएगा, आपको बार बार पॉट खाली करके दोबारा खाद भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कल किसी का मंजू जी का मैसेज था कि पॉपी के सीड कहाँ बनते हैं, तो देखिए ये सीड पॉड है इसका, ये जो अंदर ये मैच्योर होगा तो इसमें से सीड हार्वेस्ट कर लीजिएगा। अब देखिए मॉर्निंग ग्लोरी का मैं ये प्लांट जो है रिपोर्ट कर रही हूँ। ये इस कंटेनर में लगाए हुए थे, आपके साथ शेयर किया था। तो इसमें देखिए ये वाली जो जगह है, यहाँ से मैंने बहुत आराम से इस सैपलिंग को निकाला है और आप देखिए रूट वॉल कितना शानदार डेवलप हुआ है इसका, क्योंकि कोकोपीट था। अब मैंने ये मेरा कैलेंडुला का पॉट है, इसमें देखिए कैलेंडुला खिला हुआ है, अभी बीज बन रहे हैं। तो इसका मैंने ये पौधा हटा कट कर दिया, एक्चुअली उखाड़ा नहीं है, कट कर दिया, क्योंकि जो इसकी रूट्स इस मिट्टी के अंदर बची हैं वो मिट्टी में रहने वाले जीवों का भोजन बनेंगी, वो धीरे धीरे करके उनको डिकम्पोस्ट कर देंगी और अगेन वही इस पौधे को पोषण मिल जाएगा। तो मैं बस यहाँ पर जगह बनाकर इस पौधे को रिपोर्ट कर दूंगी। और जब इन पौधों को भी मैं यहाँ से कट करूंगी ना, तो कट करने के बाद मैं यहाँ साइड में जैसे मैं करती हूँ केले के छिलके प्याज के छिलके वो दबा दूंगी, तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। तो आप भी इसी तरीके से करिएगा, जब अगर आपने मेरी तरीके से पॉट फिल किया है तो बार बार उनको उलटने पुलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है, अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। और मल्चिंग ज़रूर करिएगा गर्मियों में, क्योंकि तेज़ गर्मियां जब आएंगी तो ये पौधे तेज़ धूप को नहीं सह पाते हैं। और ये मॉर्निंग ग्लोरी है, इसको ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ मॉर्निंग की बस हल्की सी सनलाइट मिल जाए। ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, क्योंकि ये सुबह के टाइम ही खिलता है और उस टाइम धूप भी नहीं आई होती है, तो इसको धूप की ज़रूरत नहीं है। तो बालकनी है तो इस पौधे को आप लगा लीजिएगा। तो मैं अपने सभी पौधों में इसी तरीके से करने वाली हूँ। मैंने पहले भी शेयर कर दिया था, आज रिपोर्ट करना स्टार्ट किया है तो आप लगा आपके साथ शेयर कर दूँ, तो ये तरीका अपना लीजिएगा। और देखिए लास्ट में एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं शुरुआत से आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ कि अगर आप मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा उलट पलट नहीं करेंगे, तो धरती माँ खुद का श्रृंगार खुद करती है। ये मेरा एक पॉट है जिसमें हल्दी लगा हुआ था, हल्दी को निकालने के बाद मैंने वापस इसको पॉट फिल किया, नीचे वही किचन वेस्ट और लीव्स वगैरह भर के मैंने मिट्टी भर के रख दिया था। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे गार्डन का सारा वेस्ट कंपोस्ट बिन में जाता है या ग्रो बैग्स में भर देती हूँ वापस। तो देखिए जितना भी बीज गया होगा, अब बीज देखिए आप कसूरी मेथी का है, ये जाफरी का है, इधर ये डेजी का है, टमाटर का है, बीच में मकोई भी है, इसने पूरा का पूरा कवर किया हुआ है। अब देखिए जो मैंने खाद इसके अंदर भरी है, यानी किचन वेस्ट और जो लीव्स भरा था, वो फटाफट से डिकम्पोज हो जाएगा। मेरे आने वाले टाइम में जो मैं हल्दी लगाने वाली हूँ उसके लिए बहुत ही परफेक्ट मिट्टी बन जाएगी। और ये देखिए फ्री का सारा पौधा मुझे मिल गया है खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो देखिए ये तरीके आप ज़रूर अपनाइए, जितना कम मिट्टी को आप डिस्टर्ब करेंगे उतनी ही आपकी मिट्टी अच्छी बनती चले जाएगी। बस आपने उसमें मिलाते रहना है, जो हमें प्रकृति से मिला है उसको एज इट इज़ रॉ फॉर्म में हमें कम से कम नहीं तो 20% वापस देते रहना है। तो यकीन मानिए आपके यहाँ बहुत ज़बरदस्त बागवानी में जो कहते हैं ना मिरेकल्स होंगे, और फ्री में आपको खाद, फ्री में आपको भोजन, फ्री में आपको फूल मिलने शुरू हो जाएंगे। इस बार मैंने एक बार भी सरसों को बोया नहीं, क्योंकि मैं जब मेरे ये पौधे ख़राब हो जाते हैं ना तो मैं कंपोस्ट में मिला देती हूँ, और उसके बाद जो मैंने देखा है प्रकृति का कि बीज अपने पास वो खुद सुरक्षित रखती है, अगले सीज़न में ही जाके वो उगेगा। तो इस बार हर एक गमले में एक एक पौधा ऐसे उगाया जो मैंने छोड़ दिया है। अभी भी देख रहे हैं आप पीले सरसों के फूल खिले हुए हैं और पॉलिनेशन होता है, देखिए मधुमक्खियाँ आती हैं तो पॉलिनेशन होता रहता है, फलियाँ बन रही हैं, इनको उखाड़ के मैं वापस कंपोस्ट में मिला दूंगी और अगले साल फिर से मुझे फ्री में सरसों खाने के लिए मिल जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी टिप हैं, अगर आप अप्लाई करते हैं तो यकीन मानिए धरती माँ का आपको भर भर के आशीर्वाद मिलेगा। ये देखिए बास्केट प्लांट का फ्लावर कितना खूबसूरत खिला हुआ है। तो यही कहना चाहूँगी, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव थाट्स के साथ काम करिए, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से हटाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहिएगा अगर वीडियोस पसंद आते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, शेयरिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू।